अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर की कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ये जॉब के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। एजुकेशन लेवल आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए और क्या यहाँ पर आपके पास सीरा का लाइसेंस होना चाहिए या नहीं, वो सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जॉब को अप्लाई करने के लिए ऐसे मेरे भाई जो कि ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में काम कर चुके हैं, इवन कि आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं तो भी आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सिंपली वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली अपनी अपडेट सीवी को शेयर कर सकते हैं। और डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स के अपडेट हासिल करने के लिए आप जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सअप और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप जो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर जो है जॉब्स के अपडेट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट्स होंगे और सैलरी पैकेज आपका क्या हो सकता है। रिक्वायरमेंट्स में देखें, जो भाई बिल्कुल अभी फ्रेशर भी है ना, फ्यूचर में भी प्लान करेंगे यूएई में आकर जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल करने का, तो एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि मिनिमम जो एजुकेशन लेवल है वो मैट्रिक तक होता है। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक से कम है तो आप जो सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में एज ए सिक्योरिटी गार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। और लैंग्वेज में आपको देखिए इंग्लिश तो मस्ट आनी चाहिए, इसके अलावा हिंदी, उर्दू और अरबिक अगर आपको आती है वो तो जारी सी बात है, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। इसके अलावा ऐसे मेरे भाई जिनके पास सीरा का ऑलरेडी लाइसेंस है उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पास सीरा का लाइसेंस नहीं है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको जो सीरा का लाइसेंस भी लेकर देगी। उसके जो चार्जेस होंगे कंपनी आपसे ले सकती है, वो सारी चीज़ें आप जो कंपनी से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैंने आप दोस्तों को बताई हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स में सबसे पहले नंबर पर तो जारी सी बात है वीज़ा आता है, कंपनी आपको वीज़ा फ्री प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होती है, आने जाने का जो भी सीन होता है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपको मोस्टली क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज़ होती हैं आपको ठीक अकोमोडेशन भी सेपरेट लेके देती हैं। अगर आपको देखें किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है, मिसाल के तौर पर किसी होटल में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट आपका खाना भी फ्री हो जाता है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस होती है, एनुअल लीव होती है विद रिटर्न टिकट, और यूएल ब्लॉक के हिसाब से जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे के सारे जो है आपको दिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से वीडियो बनाओ, जो फ्रेशर भाई हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर जो है दोबारा वीडियो बनाऊँ, तो जो भाई फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हैं उनको उससे काफ़ी एज मिल सकता है। तो अभी लास्ट में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। देखिए स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी हो सकती है 2700 दिरहम तक हो सकती है, जिसमें एटलीस्ट जो है आपको जो 12 घंटे के अराउंड अबाउट काम करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में आने से पहले एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है, मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बताया था कि यहाँ पर मोस्टली जो है आपकी ड्यूटी काफ़ी लंबी होती है, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी आपकी हो सकती है। आपने जो है मिनिमम अपने माइंड में 12 घंटे की ड्यूटी लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप जो किसी भी जगह पर ड्यूटी करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, हो सकता है आपकी अकोमोडेशन वहाँ से फिर 30 मिनट या 1 आवर का डिस्टेंस हो, तो कंपनी आपको जो वहाँ पर लेकर जाती है, तो इसमें क्या होता है कि 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा भी लग जाता है। तो सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में आने से पहले ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जॉब लिंक में आपको ठीक है नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी अपडेटेड सीवी को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म के चार्जेस आपसे मांगता है आपने किसी को नहीं देने। मेरा काम था कि आप दोस्तों को ठीक है इन्फॉर्मेशन देना, अगर आपको ये जॉब ठीक है मिल जाती है और पसंद आती है तो ये आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बाकी वेबसाइट के ऊपर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी, आप जो उनका भी डायरेक्टली विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी वीडियो सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से, होपफुली वीडियो अच्छी रही होगी। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आप दोस्तों के माइंड में हो तो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।